सो वी आर एट दिस महिंद्रा हरबीर ऑटोमोबाइल शोरूम। तो मुझे लगा नहीं था कि इतने लोग आएंगे, बट फैमिलीज हैव कम हेयर लीविंग देयर वर्क और वॉट एवर ओनली बिकॉज ऑफ दिस फैन फॉलोइंग ऑफ दिस कार। मैं आराम से, मुझे लगा था मैं ही पागल हूँ, बोल रहा हूँ सच्ची, लोग झुंड बना के यहाँ पे खड़े हुए हैं जैसे कोई फेस्टिवल होता है, विच इज़ लाइक अ गुड थिंग। नाउ लेट्स वेट, गाड़ी की वेट कर रहे हैं, आती है तो बात करते हैं। और द रीज़न आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कार इज़ बिकॉज एक्चुअली 500 के अंदर क्वालिटी की फिनेस नहीं थी, जिसके लिए मैं बहुत कातिल हूँ। और मेरे को फोर्ड भी इसलिए पसंद आती थी बिकॉज उनकी इंटीरियर बिल्ड की जो फिनेस थी जब आप बैठते हो, दैट वॉज अनलाइक एनी अदर ब्रांड, वो किसी भी और कार में नहीं थी। मुझे कंपस भी इसलिए बहुत पसंद आई थी। द ओवरऑल बिल्ड इज़ वेरी गुड, हैज़ टू बी वेरी गुड इफ़ यू वॉन्ट टू बी आज की डेट की अगर तुमने गाड़ी बनानी है। तो जो XUV 500 में मिसिंग थी, बट 2012 के हिसाब से उसमें बहुत कुछ अच्छा था। 2012 में मेरे को इतनी अकल नहीं थी, मुझे पता लगे कि इतनी अच्छी फील नहीं हो रही, बट 12, 13, 14, 15 में वो एक ही इतनी देर तक वो कार चलाते रहे, इतनी देर तक ये चलाते रहे कि एट दी एंड जाके भी इतने अच्छे प्राइजेस पे वो बिकी रही थी। इट वॉज स्टिल अ वेरी गुड कंटेंडर, वेरी गुड इन ड्राइविंग। मुझे आप भी याद है जब उन्होंने लॉन्च करी थी तो मोनोकॉक चेसी की, पीछे थोड़ी ऑल्टो में से आवाज़ आ रही है, बट आई एम थिंक तभी उन्होंने दूसरी कार लेनी है, तभी वो 700 के लिए वेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा दूर आ जाता हूँ, एक सेकंड, आई होप आपको ज़्यादा शोर ना आए, और भी लोग धीरे धीरे आ ही जा रहे हैं। सो XUV 500 उस टाइम भी जब थी तो मुझे याद है उन्होंने मोनोकॉक चेसी और ट्रैक रेसिंग में वो गाड़ी भगा के दिखाई थी कि एक्चुअली क्या फ़र्क होता है। मुझे तब तक अकल नहीं थी कि जो नॉर्मल SUVs होती है वो लैडर फ्रेम चेसीज पे होती हैं, दे आर लाइक टू बॉडीज, चेसी अलग है, ऊपर फ्रेम अलग है, उनको इकट्ठे करते हैं। और मैं आज तक नहीं समझता था यार कि फॉर्चूनर वगैरह इतनी अच्छी गाड़ियाँ दिखने में हैं बट चलते वक्त के ट्रक जैसी को चलती है, दैट वॉज बिकॉज दे वर नॉट मोनोकॉक चेसी। और XUV 500 वॉज इंडियाज मे बी वन ऑफ द फर्स्ट लार्ज बिग साइज नॉट सब 4 मीटर कार जो मोनोकॉक चेसी में आई थी, और वही कारण था कि आप उसको एक्चुअली गाड़ी की तरह रैश चला सकते थे, और दैट वॉज अनलाइक एनी अदर SUV इन दैट ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या हो, ऑब्वियसली बहुत लोग फॉर्चुनर वगैरह लेने वाले भी XUV ले लेते थे बिकॉज वैल्यू फॉर मनी और जगह जुगा स्पेस सब कुछ उनकी रिक्वायरमेंट यूटिलिटी वो उतनी ही देती थी, तो दैट वॉज इट्स स्पेशलिटी इवन देन। बट नाउ देव रियली अप देयर गेम, 8-9 साल हो गए हैं उसको आए हुए, काफ़ी लोग उसको यूज़ कर चुके हैं, बट 700 में आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज XUV 300 के बाद इन्होंने क्वालिटी और फिनेस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी थी। बिकॉज 300 के अंदर आपको नो डाउट इट्स लिटिल बिट डेटेड डिज़ाइन जस्ट लाइक इको स्पोर्ट, बट उस डेटेड डिज़ाइन भी आजकल भी आज भी बहुत बिक रहा है, बट द क्वालिटी वॉज रियली गुड। और आपने देखा होगा XUV 300 की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज वो शायद 1 मिलियन व्यूज़ जाने लगी है, दैट इज़ द फर्स्ट वीडियो जिसके इतने व्यूज़ आए हैं। और मेरे जितने भी दूसरे यूट्यूबर्स हैं ऐसे के मेरे जैसे, तो उनकी भी किसी के XUV 300 वीडियोज़ पे इतने व्यूज़ नहीं आए ड्राइव वीडियोज़ जितने मेरे में आए, सो आई रियली फील वेरी गुड। और उस कार को भी मेरे को सबसे अच्छा ये लगा था बिकॉज उसकी क्वालिटी, ड्राइविंग वगैरह सब कुछ, एवरीवेयर दैट यू टच योर बटन्स, योर स्टेयरिंग, योर दरवाज़ों पे कहीं पे टच करते थे, दैट वर रियली 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 वेरी हाई क्वालिटी। और अब XUV 700 की जो वीडियोज़ और फोटोज़ मैंने देखी है उसके अंदर जो उन्होंने वाइपर और वोला स्टॉक होता है उस स्टॉक को भी 300 से कॉपी करा हुआ है, सो दैट मीन्स उन्होंने 300 की लर्निंग 700 में डाली है। सो आई होप कि ये वाली चीज़ उस क्वालिटी चीज़ों में अच्छी हो, बट वो देख के पता लगेगा, बाकी क्या पता ड्राइव करने के लिए दे दें, आई होप। चलो अब देखते हैं कार एक बार आती है तो। क्या बात है यार, ये गाड़ी सबसे पहले इंक्लूड करवाना है यहाँ पर, बड़ी सारी गाड़ियाँ यार, वहाँ के गोल घूम के आ रही हैं, लेट्स वेट, रश बढ़ी जा रहा है। सो आई केम टू नो कि अंदर भी बहुत लोग बैठे थे, सारे बाहर आ गए। यार कोई गाड़ी इतनी स्टार हो सकती है, नेवर न्यू यार, क्या बात है यार, क्या मार्केटिंग और ब्रांडिंग करी है महिंद्रा ने, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट भी इतना अच्छा बनाया। ये महिंद्रा के ही है बाउंसर सर, SUV एक्सपर्ट, क्या बात है। वो आ रही हैं दूर से, सो इन फ्लैश दे लुक रियली गुड, बट उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है बिकॉज इनकी एक्चुअली बॉडी का सिलुएट ओल्ड XUV 500 जैसा ही है, विच वॉज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट, सो लुकिंग गुड। रेड कलर SUV में इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट इट्स ओके, हम नॉर्थ इंडियंस वाले वैसे बेचारे ब्लैंड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसको अर्टिगा की बेइज्जती करके बाहर निकाल रहे हैं, क्या बात। आई थिंक दीज शॉट्स माइट नॉट मैटर मच टू यू बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन देम लाइक 100 times, बट दिस इज मोर अबाउट हाउ आई फील आफ्टर लुकिंग एट देम। लोगों मुझे अब तक इनका पसंद नहीं आया, बट ठीक है, इतना कुछ करने के बाद भी इन्होंने फॉर्चुनर की तरह ऑटो डिमिंग मिरर नहीं दिया, पता नहीं क्यों। और देन सीट्स आर रियली गुड, इंटीरियर जहाँ से तो बहुत सही लग रहे हैं, क्या वाह। पता जो एक फील होती है ना, वो तुम्हें फोटोज में नहीं पता लगती,
दिस इज श्री कैमरा, इट्स लुकिंग रियली 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 लग्जूरियस एंड रियली प्लश. पिछली एक्सी 500 में ये फील बिल्कुल भी नहीं थी दूर दूर तक, देख के पता लग जाता है यार. स्टेयरिंग का जो लेदर स्टिचिंग है यहीं से पता लग जाता है यार काफ़ी कुछ, बट दिस कैन ओनली बी सीन इन रियलिटी. ये एक्सपीरियंस मेरे को फोटोज वीडियो देख के बिल्कुल नहीं हो रहा था. प्लास्टिक बूट किसी को ना पता होता तो कोई ध्यान नहीं जाना था इसका यहाँ पर. बट देन आई सॉ वीडियो वेयर दिस साइड कि प्लास्टिक बूट एक्चुअली ज़्यादा एक्सपेंसिव था और उसके बहुत सारे कारण थे वो बनाने के लिए. तो फ्लश डोर्स, हाँ बाहर बैठा, बाहर देखने के लिए बुलाया. सारे खर्चे कर लेंगे, इतनी बड़ी ड्राइव ऑर्गेनाइज कर लेंगे. नहीं नहीं हाथ नहीं लगाना, नहीं नहीं दूर रहो. ये कलर सबसे अच्छा लग रहा है. एज ऑलवेज आई लव एसयूवीज इन डार्क कलर्स और वाइट. यू नो वाइट इज ग्लोबली एक्लेम्ड वन कलर जिस पर सब कुछ अच्छा लगे, बट ब्लैक इज अ कलर टू गो. दिस इज वन कलर दैट आई एम रियली लाइकिंग. इसमें सब कुछ अच्छा लग रहा है. आई होप थोड़ी क्लैडिंग और दी होती नीचे जस्ट टू गिव इट मोर रगेड लुक. आई वुड हैव रियली लाइक दैट. सो नाउ लेट अस सी कि ये कैसे खोलेंगे. अंदर वाले लोग बहुत फील ले रहे हैं, उनको लग रहा है सारे देखो हमारी वीडियो ले रहे हैं, वाओ हम कितने अच्छे लोग हैं. बट दैट्स गुड, ओके, जस्ट किडिंग, नथिंग पर्सनल. क्या ही बात है ना, मतलब गाड़ी भी एक स्टार बन गई. लेट अस सी हाउ डज इट फील व्हेन दे कम आउट. लॉक कर दो ना, बंद कर दो. सर प्लीज वी कांट. दादा प्लीज यार जस्ट लॉक इट यार. इतने लोगों को इतनी दूर से बुला के फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे. क्यों क्यों सी दिस टॉक्स राइट. ये एक्स यू 300 के हैं. यहीं से आई कैन टेल दैट द कैमरा रेजोल्यूशन इज रियली गुड. और जो स्क्रीन है उस पर भी ग्लेयर नहीं पड़ रहा, यहाँ से भी कितनी क्लियर है. आई थिंक यू कैन सी, मतलब जैसे डिस्प्लेज की हम रिव्यू लेते हैं कि कौन से एंगल से अच्छे से दिख रहा है, तो द डिस्प्ले क्वालिटी इज़ रियली 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 वेरी गुड. देर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज. यहाँ पे खुद दूसरी स्क्रीन भी लगा सकते थे वो, जैसे सस्ती गाड़ियों में टच स्क्रीन आता है आजकल. आई होप होंडा शुड लर्न फ्रॉम देयर कैमरा क्लैरिटी. होंडा की जो लेफ्ट लेन वाले भी हैं होंडा सिटी वगैरह में इतने बकवास हैं. That was really good. अभी लोग बाहर आएंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे. दूर रहो, आपकी औकात नहीं है, आप ही को कार बेचनी है, बट आपको दिखाएंगे नहीं हम. कुछ हो गया तो चलो अंकल, ये अब महिंद्रा वाले गाड़ी तो चलाने में दे नहीं रहे. हम लोग लड़ चुके हैं उनसे, बहुत परेशान है कि इन्होंने हमारे को बुला के इतनी तगड़ी बेइज्जती करी है. फ्रीडम ड्राइव पे नो फ्रीडम इवन टू गेट इन साइड द कार, बट चलो क्या कर सकते हैं. ये अपनी मिसमैनेजमेंट को लोग अक्सर ऐसे कवर करते हैं कस्टमर्स को रिस्ट्रिक्ट करके. अब वी फील वेरी ह्यूमिलेटेड ऑफ कोर्स, बट ये अंकल स्पेशली आए हैं एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द कार इटसेल्फ. थोड़े से उदास डेफिनेटली हैं मेरे जैसे भी यार. उनको कोई फुद्दू है यार, ये उनके बेटे हैं जो हम दोनों इकट्ठे लड़ चुके हैं. इन्होंने लड़ाई करी, मैं पीछे इनकी सपोर्ट कर रहा था, बट देन कोई फायदा नहीं हुआ, वो आगे बहस करने लग गए. दे हैड नो लॉजिक एंड दे वर सेइंग सर दिस इज फ्रीडम ड्राइव. सो दिस इज द 700 इन फ्लैश. कोई आपको पॉइंट नहीं है दिखाने का, दिस इज जस्ट मोर अबाउट माई रिएक्शंस ऑन वॉट आई फील आफ्टर लुकिंग एट इट. बिकॉज सारे ये गाड़ियाँ बाहर से देख चुके हैं, लोगों मुझे इनका पसंद नहीं है. दिस लुक्स वेरी जैसे जो लोग 2-3 हज़ार में लोगों बना देते हैं वैसे का लग रहा है, बट ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन अ वेरी बिग ब्रांड मेकिंग इट विद अ वेरी बिग मीनिंग. उन्होंने मीनिंग भी बड़ा अच्छा से मार्केट करा है, बट आई स्टिल फील दैट इट डज नॉट इम्प्रेस यू ऑन द फर्स्ट गो.
सो द इंटीरियर आर रियली गुड, अंदर ये बैठने नहीं दे रहे हैं. देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ मिसमैनेजमेंट. सो देयर इज अ वॉकी टॉकी एंड एवरीथिंग दैट दे हैव ब्रॉट हियर. दे कॉल इट अ फ्रीडम ड्राइव बट देन दे आर नॉट लेटिंग अस इनसाइड और सी द इंटीरियर्स. हम गाड़ी को बाहर से देखने आए जो हम ऑलरेडी देख चुके थे, बट यहाँ से पता लग रहा है दैट द इंटीरियर फील इज रियली वेरी गुड. इट्स रियली वेरी प्लश, बहुत सही है. कोई बात नहीं, थोड़े दिन और वेट करेंगे, फिर सड़क पर लेंगे इसकी कार की अच्छे से, तभी पता लगेगा. बट यहाँ से पता लग रहा है दैट द बटन आर गुड. सो द गुड थिंग इज, अब ये बटन स्टॉक डायरेक्टली XUV300 का लिया हुआ है. द गुड थिंग इज दैट ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें ये उठा सकते थे 300 से, इन्होंने डायरेक्टली 300 से उठाई. सबसे बड़ी ये बात यह है कि बहुत एज लोग भी यहाँ पे चंडीगढ़ में, बिकॉज देर आर वेरी रिटायर्ड पैशनेट पीपल. सो अभी पीछे मैं एक अंकल से डिस्कस कर रहा था जिनका बेटा मेरे साथ, उनसे बहस कर रहा था कि आप हमें गाड़ी क्यों लाना दे रहे. तो ही न्यू ऑल द इन्फॉर्मेशन कि ये वाला मॉडल इतने का मिल जाएगा, ये वाला मॉडल इतने का मिल जाएगा. ही वॉज अराउंड 73-74. सो ही वॉज ऑल्सो रियली एक्साइटेड विद दिस. इसकी थर्ड रो है नहीं यहाँ पे, उतारी हुई है नहीं, यहाँ होगी नीचे ठीक है. आई वाज लाइक टॉप मॉडल पे तो होनी चाहिए. सो दैट्स द पैनोरामिक सनरूफ. मुझे बड़ा गरीब फील हो रहा है ऐसे वीडियो बना के, जैसे चोरों की तरह हम किसी चोरों की तरह किसी गाड़ी के अंदर स्नीक कर रहे हूँ. बट मेरे साथ अंकल को भी हो रहा होगा ऑब्वियसली. अंकल शुड बी रिस्पेक्टेड इवन मोर. सेम इंद्रा, व्हाट यू आर डूइंग विद योर कस्टमर्स मैन, व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सच अ बिग ड्राइव? अपने एम्प्लॉयज़ का खर्चा निकालने के लिए सर, उनको स्टे देने के लिए. कस्टमर्स को तो जो आपको देना था एक्सपीरियंस वो हुआ नहीं. सो द थिंग इज कि दैट द सेंटर कंसोल दैट आई फील फील्स रियली गुड. वो प्लास्टिक जो लग रहा है शाइनी सा, वो स्क्रैच पकड़ सकता है, बट स्टेयरिंग फील और जो प्लास्टिक इसका इसके हॉर्न पे है वो बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने वीडियो भी ली थी जब गाड़ी ये पार्क कर रहे थे. द क्लैरिटी ऑफ द स्क्रीन इज रियली 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 वेरी हाई. ये इन्होंने पता नहीं क्यों करा, ऊपर ऑटोडिमिंग मिरर नहीं दिया. मुझे आज तक नहीं समझ आया कि टोयोटा ने क्यों नहीं उसमें दिया जो बलिनो में भी आता है, और सिमिलरली इन्होंने भी वही करा है. मतलब महिंद्रा तो एक्चुअली XUV500 वाज ऑल अबाउट देयर फीचर्स फर्स्ट एंड देन ड्राइविंग डायनामिक्स सेकंड, बिकॉज इन मार्केटिंग इज मोर अबाउट फीचर्स. दो आई लव द कार बिकॉज ऑफ इट्स डायनामिक्स. तभी मेरा MX पेट्रोल पे या डीजल पे बहुत ज़्यादा दिलाया हुआ. डेफिनेटली पेट्रोल लुक्स लाइक अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव, बट माइलेज के लिए हमें पहले फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, यू नो. बट वो भी चैलेंज है. बट थिंग इज़ कि आई हैव नो आइडिया वाई इन्होंने इतनी फुली लोडेड कार में ADAS भी डाल दिया है, बट इन पे ऑटोमेटिक मिरर नहीं डाला. पता नहीं लोगों से क्यों नहीं डालता, पता नहीं क्या हो जाता है. आई थिंक एवरी कंपनी शुड हायर वन पर्सन एंड गिव दम अराउंड 20-30,000 सैलरी जस्ट टू रिमाइंड दम कि सर व्हेनेवर यू मेक अ कार प्लीज़ सर इसमें ऑटोमेटिक मिरर लगा देना सर प्लीज़ सर. मतलब उस बंदे का एक काम, वो अपने कैलेंडर पर रिमाइंडर लगाता है कि जब भी सर नया कार लॉन्च हो रही हो और मैप पे आप इंजीनियरिंग वाली टीम जब उसको फाइनल करिए, तो आप प्लीज़ सर मैं आपको ये याद दिला दें कि सर प्लीज़ इसमें ऑटोमेटिक मिरर लगाना सर प्लीज़ सर. एंड वो बहुत टॉप पोजीशन होगी इन टोयोटा एज वेल एज महिंद्रा नाउ. सो आई एम रियली होपफुल दैट इवन कॉलेजेस विल मेक दिस डिग्री दैट यू हैव टू रिमाइंड योर प्रोफेशन एंड योर कोर्सेज टू रिमाइंड पीपल ऑफ यूजिंग ऑटोडिमिंग मिरर इन दर हाई एंड कार. एनीवेज दैट वाज अ बैड जोक. सो वो आगे सबवूफर मुझे लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई कोई कंपनियों ने उसको आगे सबवूफर इंट्रोड्यूस करा था. आई थिंक मेरी ऑडी में भी ऐसा ही है, बट उसके बाद पता नहीं लोगों को क्या हुआ, उन्होंने इसको डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया. सो आई स्टिल फील इट्स अ सबवूफर बिकॉज इट हैज़ 3D साउंड. ऊपर छोटे छोटे स्पीकर हैं. आई होप थार को भी ये बोलना चाहिए था कि देखो हम 3D साउंड दे रहे हैं, बट उन्होंने नहीं बोला. उन्होंने XUV700 उन्होंने बोला सर यार इसको भी हम फीचर बोल सकते हैं. वो ऊपर छोटा स्पीकर है, नीचे स्पीकर्स हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ स्पीकर्स हियर. गुड साउंड सिस्टम. आई फॉरगॉट कि वो JBL का है या किसका है. आई थिंक मेरिडियन, नहीं मेरिडियन का नहीं है, तो मैं भूल गया हूँ, बट ऑब्वियसली कोई अच्छी का. और सोनी का है, या सोनी का है. बट थिंग इज आई एम लविंग द स्पेस, लविंग एवरीथिंग, कटिंग इट शॉर्ट. मैं ज़बरदस्ती बातें करी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली अंदर बैठ कर जो सब करना था मैं कर नहीं पा रहा हूँ. इट्स यू नो माई फ्रस्ट्रेशन इज स्पीकिंग. But this is looking really, really, really good, and I feel that all the expectations that I had are really true. So, आप dealers को जबरदस्ती अपना check card के दे आओ, उनको बोला जब booking शुरू होगी आप लगा लो. ये booking अभी शुरू कर नहीं रहे हैं, but local level पर काफ़ी dealer ने check ले लिए हैं, because उनको अपने customers को oblige करना है. And this feels also really good. I am still not sure कि base models में है या नहीं है, but catalog थोड़ी confusing सी है. So, a lot of people say that वो fiber का है पीछे वाला. एक second show आ रहा है. लॉट ऑफ पीपल से कि वो फाइबर का है पीछे वाला. एंड आई जस्ट सॉ कंपनीज ऑफिशियल वीडियो ऑन दिस. उन्होंने कार एंड बाइक शो अलग साथ बनाई है, एंड वेयर द टेल कि एक्चुअली फाइबर का बनाना कॉस्टेड अस मोर देन मेकिंग इट ऑफ मेटल, एंड दे हैव सम इंजीनियरिंग रीजंस फॉर दिस. सो आई डोंट नो व्हाई इसका AXL यहाँ पर क्यों लिखा है. लेट मी मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल. आपने 100 बार देखी होगी, फिर भी मैं बना लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ है नहीं करने को. एज ऑलवेज मेरे मतलब मिलिंद लिख दो यार इस लोगों से. But the whole thing is really good. You know, first time when I saw the first look, I was really disappointed because गाड़ी उन्होंने सेम सिलुएट की दे दी. आई डिड मेरे को था यार अगर कार चेंज कर रहे हो तो आपको शेप भी चेंज करनी चाहिए. बट आई थिंक जस्ट लाइक रॉयल एनफील्ड
इनको था कि यार जो शेप ऑलरेडी बिक रही है कि हमारी गाड़ी की आउटर शेप बहुत अच्छी है, तो हमने कहा यार उसको चेंज नहीं करते, विच इज सो ट्रू। XUV500 कॉम्पैक्ट भी है, ह्यूज भी है, वो जा रही है वहाँ पे, कॉम्पैक्ट भी है ह्यूज भी। और तभी जब पहली बार हमने सड़कों पे देखी थी, वी वर लाइक शॉक्ड कि भाई ये किस कंपनी ने क्या बना दिया। मैं कहा स्पोर्ट्स कार SUV कहाँ से आई है, मैं स्पोर्ट्स कार टाइप जैसे उरुस टाइप है, तब उन्होंने वो फील देने की कोशिश करी थी। बट दैट वॉज रियली अ डिज़ाइन मार्वल इवन देन, आइसोफिक्स माउंट्स एंड एवरीथिंग, फलाना फलाना, सेंटर में थोड़ा सा ऊपर उन्होंने उठाया हुआ है, बट डेफिनेटली शायद ही ऑल व्हील ड्राइव होगी। अलॉयज आर ऑल्सो लुकिंग रियली गुड, एंड दिस इज वन कलर दैट आई रियली लव बिकॉज इट्स ब्लैकिश ब्लू। ये हम अपनी लोगो डिजाइनिंग में भी जब यूज़ करते हैं तो मैं बहुत नलायक हूँ उसमें, तो मुझे तब भी नहीं पता लगता, मैं ब्लैक और ब्लू में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। बट दिस इज़ वन कलर जो ब्लैक भी लगता है और बहुत ब्लूइश भी है, तो दिस इज़ रियली वेरी एलिगेंट। तो ब्लू की एलिगेंस भी रखता है और ब्लैक की एक मिस्ट्री मैचो बैटमैन फील या कुछ भी, जो यू नो ब्लैक इज ब्लैक है, वो भी फील रखता है। सो आई थिंक आई हैव टू गेट इट डन विद हेयर बिकॉज इसके अलावा ये हमें ज़्यादा ऑप्शन दे नहीं रहे। सो दैट इज़ हेयर, सो देन आई हैव टू गो बैक टू माई ओरिजिनल कार विच आई रियली लव। बट देन अगर वो हो और ये हो, गैराज इज कम्प्लीट एंड देन एक फीगो स्पोर्ट्स भी हो, ओहो, सो आई एम सॉरी, यू नो आई एम मोर ऑफ फेस्ट विद माई ऑडी, सो यू नो माई ऑडी इन ब्लैक कलर अच्छा लगता था, अपनी जैसी कार किसी और की भी हो। कहाँ का नंबर है? आई एम सॉरी गाइस, आप जो 700 देखने आए, मैं आपको ये दिखाई जा रहा हूँ। ओके 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 ओके, भैया किसकी कार है? एमडी सर की है। आप ड्राइवर हो उसके? 130,000 चल चुकी है गाड़ी, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पास भी सेम कार, मैं इसलिए देख रहा हूँ। गाड़ी में दिक्कत तो नहीं आती ज़्यादा? सर्विस खराब, मेंटेनेंस आज तक कुछ खराब हुआ है, कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड पार्ट? हाँ जी, नहीं ऐसी। आप कब से चला रहे हो? 2 साल हो गया। तो जब आपने पकड़ी थी तो कितने किलोमीटर चली हुई थी? इतना ध्यान नहीं है। फिर भी आइडिया? आइडिया तो क्या, अंदाजा लगा लो, 2 साल इतना अंदाजा नहीं सर। मतलब लास्ट 2 साल में कितने किलोमीटर आपने चलाई होगी, कुछ तो आइडिया? 20,000, 30,000, 40,000? इतना आइडिया नहीं। नहीं, बट कभी खराब प्रॉब्लम तो नहीं दी इसने? क्या बात है, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई विश टू कीप माई कार टिल एटर्निटी नाउ। मेरी वो घड़ी है, वो सफ़ेद वाली। चलो गुड, आई थिंक ये हमें कट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, बट आई एम रियली हैप्पी। आई थिंक सो दिस आज का दिन तो ऑडी और मसल मेरा इकट्ठे बन गया। बट आई थिंक ए गैराज विद माई ऑडी A6, देन ऑफकोर्स आर फीगो स्पोर्ट्स जो अर्श की है, ऑब्वियसली सांझी गाड़ियाँ हैं, एंड देन थर्ड इज दिस, सो आई थिंक इट विल बी कम्प्लीट बिकॉज इसके ऊपर वाली जो गाड़ियाँ हैं मोनोकॉक SUV से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब में ड्राइविंग फील ख़त्म है। तो इफ़ यू गो अबव अ 20 लाख रुपीज सेगमेंट या कंपस या हेक्टर या इनके ऊपर जब भी आप गाड़ियों में जाओगे उनके अंदर जो एक बेस्ट राइड हैंडलिंग पैकेज वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रगेडनेस आ जाती है, राइड कंफर्ट आ जाता है, लैंड क्रूजर्स आ जाती हैं, एंडेवर्स वगैरह, एंडेवर चल बंद होगी, फॉर्चुनर्स आ जाती हैं। बट थिंग इज़ इफ़ यू वांट द बेस्ट एक्सपीरियंस देन आई थिंक इस सेगमेंट तक की कार तक आपको सब कुछ एक्चुअली मिल जाता है, नो कॉम्प्रोमाइजेस। इसके बाद आपको गाड़ियों में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। डेफिनेटली सेडान्स हैं जो महंगी लग्जरी सेडान्स हैं, बट देन दिस इज़ द पर्टिकुलर सेगमेंट। इसके बाद आप सिर्फ स्पोर्ट्स SUVs लाइक रेंज रोवर स्पोर्ट या जितनी मोनोकॉक SUV वाली लग्जरी गाड़ियाँ वो ठीक है, बट दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन। मतलब कहते हैं ना कि और कार बड़ी होनी चाहिए, और कार बड़ी होनी चाहिए, बस इतनी बड़ी कार में आपको सब मिलता है, इससे बड़ी कार में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट कार और द बिगेस्ट ऑफ द कार थिंग यू कैन गेट फॉर योर मनी, एंड देन डेफिनेटली उरुस, इवोक, एस्टन मार्टिन जो अभी आई है, एंड ऑल दोज न्यू SUV जो लोग बना रहे हैं वो एक्चुअली इसी फॉर्म फैक्टर की ही बड़ी इटरेशन है। सो इफ़ यू गेट दिस एवरीथिंग यू विल, मतलब दिस कैन बी वन कार फॉर एवरीथिंग विच इज़ टोटली ट्रू। बट एक बार ड्राइवर के पता लगेगा कि क्या इसमें लॉन्ग ड्राइव पर सेडान वाला कम्फर्ट है या डज दैट हैव दैट फीलिंग एंड एवरीथिंग जो आपको दूसरी गाड़ी में मिलती है, और हैचबैक वाली कितनी कॉम्पैक्टनेस है। डेफिनेटली इसकी राइड एंड हैंडलिंग बहुत अच्छी है, बट डेफिनेटली एक हैचबैक वाली नहीं होगी। बट इवन देन दिस कार एंड द फीगो स्पोर्ट्स स्टैंडिंग आउटसाइड माई ऑफिस अर्श की विल बी द बेस्ट गैरेज एवर। सो साइनिंग ऑफ, बाय बाय टाटा। आई होप दोबारा आप कभी इसको मैं 700 को मिलूंगा तो अच्छे से इसकी लेंगे हम। तब तक के लिए टाटा सी यू।